मैं लूट गया, उन फुटबॉल्स ने मुझे लूट लिया। अरे कोई तो रोको, बचाओ मेरे पैसे, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। जल्दी चलो, जल्दी उनका पीछा करो। वो मेरा पर्स ले गए, पूरे 10 रुपए थे पर्स में, वो फुटबॉल मानव ले गए। फुटबॉल मानव? सारी बात हमारी समझ में आ गई भल्ला अंकल, लेकिन पहले आप ठीक से तो बैठ जाइए, फिर हम उन फुटबॉल मानवों को ढूंढते हैं। शाबाश मेरे सिपाहियों, तुम्हें बनाकर मुझे बहुत मजा आया। अब हम पूरा का पूरा फंटूस नगर लूट लेंगे और चाचा भतीजा हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। ओए भतीजे, ओए सुबह से उन फुटबॉल मानवों को टूटते टूटते थक गए, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। जिधर जाते हैं लुटे पिटे लोग ही मिलते हैं, वो नहीं मिलते, और अब तो जोरों की भूख भी लग रही है। तो चलो चाचू, पहले चलकर गर्मा गर्म जलेबी खाते हैं, फिर उनको ढूंढेंगे। मनमोजी, और तूने मुझे फुटबॉल से मारा, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ कि असली किक क्या होती है। तू क्या किक मारेगा चाचा, ये मेरे फुटबॉल पूरे शहर को किक मार कर आ रहे हैं। अगर हिम्मत है तो आजा, अपने सारे साथियों को भी ले आ और मेरे साथ एक फुटबॉल मैच खेल के दिखा। ओए मुझे मंजूर है। तो ठीक है, एक तरफ तू और तेरे सारे साथी होंगे और दूसरी तरफ मेरे प्यारे फुटबॉल। बोल, डरेगा तो नहीं? ओए डर फर क्या होता है, ये तो मैं तुझे दिखा दूंगा। चल आजा मैदान में। ओए चाचू, ये क्या कर रहे हो? वो फुटबॉल साधारण फुटबॉल्स नहीं, रोबोटिक है। इन्हीं फुटबॉल्स ने पूरे शहर में लूट मचाई हुई है। कह दो हमें मंजूर नहीं, हम इन फुटबॉल से निपटने का कोई और तरीका ढूंढेंगे। ओए अब चाहे जो भी हो जाए भतीजे, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, मैच वहीं से शुरू होता है। अब बावड़ी बूझ, कानून के हाथ और बंदूक नी की लात से कोई ना बच सके है। मारी मैडम जी को गोल गोल चक्कर घिन्नी की तरह घुमा रिया है। अब भी तन्नत देखो। ओए हटो पीछे। ओए अब देख मन मौजी के असली किक क्या होती है। ये! अरे वाह, मेरे फुटबॉल्स तो कैरम भी अच्छा खेल लेते हैं।
कुछ भतीजे, कुछ कर। आइडिया, भाग लो। मनमौजी करता है खोज और उड़ाता है मौज। मैडम जी, मेरी जेब से पूरे 50 रुपये वो फुटबॉल मानव निकाल के ले गया। ओ बावड़ी बूझ, ओ मेरी तो पूरी सैलरी निकाल ले गए, इब मैं के करूं? वही बंदूकड़ी जी, वो तो मेरा भी पर्स ले गए। एक तो पैसे चले गए और ऊपर से मार भी खानी पड़ी। ओ हाँ भतीजे, और इब जल्दी से सोच कि उस मनमौजी की वो फुटबॉल्स कैसे छीनी जाए, वरना तो वो पूरे शहर को लूट लेगा। ओए भतीजे, कोई चटपटा आइडिया निकाल। आइडिया। हमने सुना है कि तुमने रोबोटिक फुटबॉल्स बनाया है, जिसका मदद से तुमने पूरे शहर को डरा रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल, शॉर्ट में कहूँ तो ये मेरी फौज है और इसके दम पर मैं इस शहर का डॉन बनने वाला हूँ। डॉन? ओए चाचे पति जगह रहते हुए ये कभी नहीं हो सकता। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, कौन हो तुम? ये हमारा दोस्त है, इसको पता है कि चाचा भतीजा इस शहर का बहुत बड़ा जासूस है, वो तुमको डॉन कभी नहीं बनने को देगा। अरे कहाँ के बड़े जासूस है, मैंने चाचा भतीजे को तो क्या उनके बॉस फल्ला को भी अपनी इन्हीं फुटबॉल से दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया है। और इब हम तन्ने पीटने आए हैं, भैंस की पूछ। आपने कुछ कहा? वो कह रही है आप तो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हो, बहुत ही महान हो, पावरफुल हो, इंटेलिजेंट हो। वेल, क्या आप हमें ये फुटबॉल बेच सकता है? नो, मैं अपना इतना शानदार आविष्कार बेच नहीं सकता। पर हम तुमको इन फुटबॉल के बदले में 100 करोड़ रुपया देंगे। 100 करोड़? 100 करोड़? हाँ हाँ, और भी ज्यादा दे सकता है, बोलो कितना चाहिए? रहने दो सर जी, फिलहाल तो मैं 100 करोड़ से ही काम चला लूँगा। 100 करोड़ में तो मैं ऐसे हजारों लाखों फुटबॉल्स बना लूँगा। आप मेरे सारे फुटबॉल्स ले जाओ और मुझे 100 करोड़ दे दो। ठीक है, हम लोग 100 करोड़ साथ में ही लाया है, लेकिन हमको तुम्हारे फुटबॉल्स का डेमो देखने को मांगता है। ओके, अभी डेमो देता हूँ, बोलो किसको पिटवाना है? पैसे हम दे रहा है तो ट्राई भी हम ही करेगा, और चीज तुम्हारा है तो तुम पे ही ट्राई करेगा ना। मुझ पर क्यों? डेमो देखना है तो दीवारों पे ट्राई करो, पत्थरों पे ट्राई करो, लोहे के खंभों पे ट्राई करो। नो, उसके लिए हमारे पास एक से एक बढ़िया रोबोट है, बुलडोजर है, क्रेन है, उसके लिए हम तुमको 100 करोड़ क्यों देगा? हमको इंसानों पे ट्राई करना है। नाउ बोलो, 100 करोड़ चाहिए के नहीं? चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। ठीक है, आप ट्राई कर लो, मुझे पे ट्राई कर लो। बस, हो गया, डेमो हो गया, बस करो। बस इतनी बड़ी रकम के लिए इतना कम डेमो? रकम 100 करोड़ है सर, 100 करोड़। ठीक से डेमो चाहिए, कुछ करतब, कुछ कलाबाजी, कुछ एक्शन। अब तो डेमो मिल गया ना, अब लाओ मेरे 100 करोड़ और मुझे पिटवाना बंद करो, बंद करो। बस करो, मैं जान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, तुम कोई विदेशी व्यापारी नहीं हो सकते, तुम लोग चाचा भतीजा ही हो। मुझे जानबूझ के पिटवा रहे हो। ओए अब जान ही गए हो तो ये भी जान लो कि चाचा भतीजा के रहते हुए तुम फंडूश नगर के लोगों को कभी परेशान नहीं कर पाओगे।
मेरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। पंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, 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 चाचा और भतीजा।